नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, चाहे एसटी या बी का एग्जाम हो, चाहे टेक्नीशियन ए का। तो आप भी एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। सारे प्रश्न एक साथ करवा दूंगा जो पूछे गए हैं डीआरडीओ के बारे में। आप जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्थापना, हेडक्वार्टर, चेयरमैन, ये सब बताते हैं, लेकिन कुछ छुपे हुए क्वेश्चन है जो आज तक किसी ने नहीं बताई, वो भी मैं आपको 5 मिनट में करवा दूंगा। बस रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मॉक टेस्ट देने के लिए लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो क्वेश्चन भी जरूर पढ़ लीजिए। साथ में डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसे देख लीजिए, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। डीआरडीओ के बारे में आपको ये बातें जरूर याद कर लेनी है। एग्जाम जब भी हो आपका 20 से पहले है तो जरूर पढ़ लीजिए। हमारी एक पीडीएफ है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, नाम मात्र के शुल्क की है, डाउनलोड कर दीजिए। इसमें 700 से ज़्यादा क्वेश्चन है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली तो है डीआरडीओ की फुल फॉर्म, एसटीए बी के और टेक्नीशियन ए के हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिला है कि फुल फॉर्म बताइए, डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताइए। तो याद कर लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हो सकता है ना हिंदी में भी इसका ऑप्शन मिल जाए, तो क्या करेंगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आपको करना है। क्या करना है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। विकास संगठन, ये आपको पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लेना है, एक नंबर पक्का हो जाएगा। और सिलेक्शन के लिए कभी कभी एक नंबर से ही पीछे रहते हैं। स्थापना कब हुई ये पूछा जाता है, तो मैं इसे एक बार हटा देता हूँ और आपको स्थापना आगे लिख देता हूँ, ताकि पीडीएफ हमारी अच्छी सी बन जाए, ताकि हर कोई इसे बाद में भी पढ़ सके, यदि क्लास नहीं देखी है फिर भी वो पढ़ सके। स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी, 1 जनवरी आपको याद करना है, 1958 को इसकी स्थापना हुई। और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, अभी अभी 2023 में 1 जनवरी को डीआरडीओ ने 65वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। तो पूछा जा सकता है कि अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है, 65वां आपकी स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। मुख्यालय कहाँ है, तो ये तो याद हो जाएगा आपको, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अध्यक्ष, चेयरमैन, ऐसे क्वेश्चन आने पर आपको करना है डॉक्टर समीर वी कामाद, पूरा नाम याद कर लीजिए, कामाद, नीचे लिख दूंगा ताकि पीडीएफ हमारी अच्छी बने। और पीडीएफ आप सभी को बाद में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामाद, इसके अध्यक्ष अभी अभी है। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे जी सतीश रेड्डी, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए 3 इम्पोर्टेंट 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं, साथ में 65वां 66वां ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी यही है। अब देखिए बजट पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का बजट कितना है। अभी अभी केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, तो डिफेंस को कितना बजट मिला है या डीआरडीओ को कितना बजट मिला है, ये भी तो पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, इसका मैं कारण बता देता हूँ। एसटीए बी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिफेंस बजट में टॉप कौन सा देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस देश का डिफेंस बजट है, रक्षा बजट है। तो हमारे देश में इस बार पूछा जा सकता है पेपर में कि डीआरडीओ का बजट कितना है 2023-24 का, तो याद कर लीजिए 23,264 करोड़, ये इस बार का डीआरडीओ का बजट है, पूछा जा सकता है ना, 23,264 करोड़ रुपये इसका बजट है 2023-24 का। फाउंडर कौन है, ये कोई नहीं बताता कि डीआरडीओ की स्थापना की किसने, मैं आपको बता देता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम, सबको याद है ना, ये नाम ही आपको याद रखना है, ये इसके डीआरडीओ के फाउंडर थे, यानी कि इन्होंने स्थापना की थी। मोटो क्या है, या फिर ज़्यादातर पूछा जाता है कि आदर्श वाक्य क्या है, ये पूछा जा चुका है एसटीएबी के एग्जाम में। और आप भी डीआरडीओ पेपर्स की प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पूछा जा चुका है या नहीं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, डीआरडीओ पेपर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मोटो यानी कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम
विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत या शक्ति का जो रिसोर्स है वो आपके विज्ञान को माना गया है। मुख्य यानी कि महत्वपूर्ण कौन सी बात है वो आपको याद करनी है। महत्वपूर्ण बात एक ही है और हर एग्जाम में पूछी गई है। DIIDO की जो एग्जाम हुए थी, इतने एग्जाम हो चुके हैं। STAV के 3-4 एग्जाम हुए थे, यानी कि 3-4 दिन में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। और टेक्नीशियन एक के लगभग 8 से 9 दिन एग्जाम चले थे, तो उनके क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि उन शिफ्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो कौन से हैं? मुख्य बात है, इन्होंने एक किस मिसाइल पर जोर दिया था, और वो थी VR आपकी VLSR SAM, इस प्रकार से मिसाइल का नाम है SRSAM, ये मिसाइल का नाम है। और पूछा गया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका काम क्या है। यदि आपको इसकी फुल फॉर्म पता चल गई तो आप इसका काम भी बता देंगी, क्योंकि फुल फॉर्म में इसका काम छुपा हुआ है। काम क्या है इसका? VL, यानी कि VL का मतलब है वर्टिकल लॉन्च। वर्टिकल लॉन्च यानी कि ऊर्ध्वाधर आपकी इसे लॉन्च करना है, ऐसे सीधा इसको लॉन्च किया जाना है। वर्टिकल लॉन्च VL का फुल फॉर्म। SR यानी कि सोल्ट रेंज, सोल्ट इसकी रेंज यानी कि दूरी, इसकी रेंज कम है। रेंज कितनी है ये भी पूछा जा सकता है, तो 50 किलोमीटर इसकी रेंज है। SAM यानी कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, यानी कि पूरा आपको नाम याद करना है। VL यानी कि वर्टिकल लॉन्च, SR यानी कि शॉर्ट रेंज, और रेंज कितनी है इसकी? 50 किलोमीटर है। SAM यानी कि सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से हवा में वार कर सकती है। एम यानी कि मिसाइल। तो इस मिसाइल के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये वर्टिकल लॉन्च है, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज है 50 किलोमीटर। अब एक और इससे संबंधित बात पूछी जाती है कि इसका आपके परीक्षण कब किया गया? अभी अभी DIIDO की वैकेंसी आई थी और उसी टाइम इसका किया गया था। क्या डेट है? 23 अगस्त 2022 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। 23 अगस्त 2022 कहाँ किया गया था ये भी पूछा जा सकता है ना? चांदीपुर ओडिशा में, चांदीपुर ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया था। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ। हर यूट्यूब पर ऐसा वीडियो मिल जाएगा DIIDO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन ये बातें आपको किसी वीडियो में नहीं बताई गई है, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि किसी वीडियो में बताई है तो आप उसका लिंक मुझे बताइए। किसी ने नहीं बताई है, आई होप आप देख लीजिए। स्थापना, अध्यक्ष और फुल फॉर्म या फिर उसका आदर्श वाक्य, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं मिली है आपको। यहाँ से नई बातें सीखने को मिल रही है, तो एग्जाम से पहले जरूर याद कर लीजिए ये बातें। ये जो VL VSRM लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से इस मुख्य से लेकर आगे जो मैं बता रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है। 23 अगस्त 2022 को चांदीपुर ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया। और ये मिसाइल किसको समर्पित है, यानी कि किसी के लिए तो बनाई गई है? DIIDO का मेन काम क्या है? मिसाइल बनाना। तो वो किसके लिए, यानी कि भारत की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, तो किसी न किसी को तो देंगे। तो ये इन्होंने मिसाइल समर्पित की है इंडियन नेवी को, इंडियन नेवी को समर्पित की गई है। और चांदीपुर ओडिशा में इसका 23 अगस्त 2022 को सफल परीक्षण किया गया है। ये बात आपको याद कर लेनी है कि मिसाइल का लॉन्च कहाँ की गई या सफल परीक्षण कहाँ किया गया। VLSR SAM मिसाइल कहाँ लॉन्च की गई? तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। ये मिसाइल इंडियन नेवी को समर्पित है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। करंट के भी मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कौन कौन से? एक तो आपके बजट कितना पेश किया गया था, और एक अभी 65वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। तो इतनी बातें यदि आप याद कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आपका DIIDO से संबंधित है, STAV, टेक्नीशियन ए, एडमिन एंड आपका क्लियर होने में 2-3 नंबर का सहयोग मिल सकता है। अब देखिए फिर से रिवीजन करवाऊंगे फटाफट। स्थापना 1 जनवरी 1958 को, 65वां स्थापना दिवस, मुख्यालय दिल्ली में, इसके अध्यक्ष समीर वी कामाद है। बजट इसका है 23,264 करोड़, 2023-24 का बजट है। फाउंडर इसके APJ अब्दुल कलाम है। मोटो यानी कि इसका बाल आदर्श वाक्य है बल्लसी मूलम विज्ञानम। और इसकी इंपॉर्टेंट बातें मैंने PDF में बता दी है। डाउनलोड नाउ PDF, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ये
700 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आप जरूर डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और एक मॉक टेस्ट हमने तैयार किया है, रोज अपडेट करेंगे, उस मॉक टेस्ट को आप जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।